रेड जिले के थाना प्रभारी अरविंद कुमरे ने गांव पटरानी में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें, पुलिस को विक्रम लोवंशी नामक युवक के खेत पर गांजा होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने छापा कार्रवाई की और खेत से 8 लाख रुपए का 130 किलो गांजा जब्त किया। वहीं मौके पर मौजूद गांजे के साथ दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया। आज रेहटी पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है। रेहटी थाने से लगभग 12 किलोमीटर दूर यहाँ पर पटरानी नाम का गांव है, वहाँ पर जरिए इंफॉर्मेशन हमें सूचना मिली थी, जिस पर कि यहाँ के TI साहब ने अपनी एक टीम बना करके उसमें रेड किया था और विक्रम लोवंशी नाम के जो व्यक्ति हैं उनके खेत पर जो PVC पाइप्स होते हैं जो कि सिंचाई के लिए काम आते हैं, उनके नीचे बैग्स में भरे हुए 130 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसमें ये जानकारी लगी है कि दो आरोपी जो इसमें संलिप्त थे उनको हिरासत में ले लिया गया है और तीन और इनके साथ के जो सह आरोपी हैं वो भी फरार हैं। ये जो गांजा है इनके द्वारा ही यहाँ पर लाया गया था और इनके द्वारा यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता रहा है। इसमें जानकारी ये मिली है कि इस खेत का ये लोग पिछले 4-5 साल से ठेके पर लेकर के उपयोग कर रहे हैं और इनके द्वारा उस खेत का न केवल खेती के लिए बल्कि इस तरह से नार्कोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी उपयोग किया जा रहा था। पुलिस ने इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लिया है और हम पूछताछ कर रहे हैं कि इसमें और क्या चैनल है जिसके आधार पर इसमें पूरे जो गिरोह के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई